गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. व्हाट इज माई रिलेशन? जैसे कि सेकंड चैप्टर नाम बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन. तो बच्चों रिलेशन के बारे में हमने पहले ही बताया था. रिलेशन क्या होता है दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्लाइड 2.1 किया, वो ऑर्डर पेयर से रिलेटेड थे बच्चों. ऑर्डर पेयर के अंदर हमने वहाँ बनाने आपको सिखाए थे, ऑर्डर पेयर को कंपेयर कर वहाँ से वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी सिखाई थी बच्चों. ओके, उनके बीच में हमने क्या है जो कम्युनिकेशन के बिटवीन बच्चों ने जो फंक्शन से वैल्यू थी वो फाइंड आउट की थी. ओके, उन कंपेयरिंग द ऑर्डर पेयर. अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम बात करेंगे रिलेशन की. रिलेशन क्या होता है बच्चों? जैसे नाम से पता है रिलेशन क्या होता है, जैसे पिता पुत्र का, ओके भाई बहन का, इस प्रकार से बच्चों टीचर्स का, स्टूडेंट्स का. ओके, तो रिलेशन जो बिटवीन होता है बच्चों एनी टू पर्सन के बीच में. तो लेट, अब मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. हमारे पास कोई बच्चों टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए बाय ए. तो बच्चों ए बाय क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों उसका जो सबसेट होगा बच्चों वो रिलेशन कहलाएगा. ओके, यानी कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. यानी कि सबसेट इज द रिलेशन. ओके बच्चों, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इज कंटेन्ड इन ए बाय ए. R is contained in A by means क्या था बच्चों? कि R is a subset of the Cartesian product of A and B. अब एग्जाम्पल से क्लियर करें बच्चों यहाँ पर कि कोई भी जो Cartesian product का जो subset होगा बच्चों वो relation कहलाएगा. ओके, तो यहाँ से एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे. Let n be the set of natural number, consider the relation has its cube as. तो हमारे पास जो relation यहाँ पर दिया है, relation यहाँ पर है has its cube as from set A to set B. ओके बच्चों, सेट ए क्या दिया? यानी कि ए सेट बी एन दिया और बी सेट बी एन दिया. ओके, यानी कि सेट ए को भी एन लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया है, और सेट बी को भी एन लिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया है. यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक हमने रिलेशन निकाले बच्चों. रिलेशन क्या है? रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज. ओके बच्चों, हैज इट्स क्यूब एज का बच्चों कि जो हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों वो फर्स्ट का क्या है? क्यूब है बच्चों. यहाँ पर इट मीन यहाँ पर कि हैज इट्स क्यूब एज में है कि जो सेट बी वाला जो सेट बी का एलिमेंट है सेट ए वाले का क्यूब है. ओके बच्चों, हाँ जी. तो दस वन हैज इट्स क्यूब एज वन. जैसे वन का बच्चों क्यूब क्या होता है? वन होता है. टू का क्यूब क्या होता है? एट होता है. थ्री का क्यूब होता है? नाइन होता है. फोर का क्यूब होता है? 64 होता है बच्चों. तो थ्री का क्यूब होता है? थ्री का क्यूब होता है 27. नाइन होता है, सॉरी, थ्री का क्यूब होता है 27. वन का वन, टू का थ्री, टू का एट, थ्री का 27, फोर का 24 और फाइव का 125. इस पर तो चलता जाएगा. ओके, इन प्लेस ऑफ हैज इट्स क्यूब एज. ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे? हैज इट्स क्यूब एज के स्थान पर क्या आर पुट करेंगे? ओके, आर का होता है रिलेशन होता है. वी गेट वन रिलेशन वन. ओके, यानी कि वन हैज क्यूब एज. ओके बच्चों, क्या लेंगे? वन. टू हैज क्यूब एज एट. यानी कि टू का क्यूब होता है एट. थ्री का क्यूब होता है 27. फोर का क्यूब होता है 64. बच्चों आर क्या है? आर किस साथ पुट किया है? हैज इट्स क्यूब एज के साथ पर मैंने आर पुट किया बच्चों. ओके बच्चों, रिलेशन पुट किया है. अब इसको ऑर्डर पेयर में दर्शाएंगे क्योंकि जो बच्चों हमारे पर रिलेशन होता है वो भी क्या होता है? रिलेशन भी ऑर्डर पेयर के अंदर ही. रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स. ओके बच्चों, विच इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. मैथमेटिकली क्या लेंगे बच्चों? जैसे मैथमेटिकली सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली हम यहाँ लेंगे वन ऑर्डर पेयर का, लेंगे वन कोमा टू एट थ्री 27 फोर 64 एंड सोन चलता जाए बच्चों. क्योंकि नेचुरल नंबर होता है बच्चों क्या इन्फिनिटी टाइम तक होता है नेचुरल नंबर बच्चों. इस प्रकार के एंड सोन चलते जाएंगे. हाँ जी, तो यहाँ पर बच्चों ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है सेट को, जैसे टू फॉर्म में डिफाइन करते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. ये बच्चों रिलेशन है, ये रोस्टर फॉर्म में है और ये जो रिलेशन रिप्रेजेंट किया ये सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों. हाँ जी, एक्स वाई फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है? एक्स का बच्चों. सेकंड वाला एलिमेंट क्या? वाई लिया गया है. ओके, यानी कि एक्स क्या बच्चों? नेचुरल नंबर का. वाई भी क्या है? नेचुरल नंबर का. और वाई की जो वैल्यू बच्चों वो क्या? एक्स का क्यूब है. यानी कि वाई इज इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स. यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है बच्चों. ओके, इस प्रकार से हमने क्या रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन किया यहाँ पर. अब दूसरा अनदर एग्जांपल लेते हैं बच्चों. लेट ए कोई सेट मेरे पास दिया 1 2 3 4. अनदर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट बच्चों. ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए जैसे कि डिफाइन डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ हमने डिफाइन किया डेफिनेशन में. ओके बच्चों, बी कोई सेट है 1 4 9 16 20 एंड रिलेशन क्या बच्चों? दोनों के बीच में ए और बी के बीच में रिलेशन दिया गया है. बी रिलेशन इज के रूट. यानी कि बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट बच्चों वो सेकंड एलिमेंट का क्या है? स्केयर रूट है बच्चों. यहाँ पर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. जैसे यहाँ देखो 1 1 बच्चों 2 4 3 9 4 16. यानी कि बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 का स्केयर रूट 1 होता है, 4 का स्केयर रूट 2 होता है और 9 का स्केयर रूट क्या होता है?
थ्री होता है और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है बच्चों ओके। और यहाँ पर आप 20 बच्चों नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता ओके, क्योंकि ये बच्चे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बच्चों। और ये बाकी जो हमारे पर नंबर है रिमेनिंग है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता बच्चों, इसलिए इसको नेगेट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब मैंने इसको डायग्राम के लिए बताना बच्चों ओके, ये रिलेशन है बच्चों और इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम के माध्यम से ओके बच्चों। तो रिप्रेजेंट द रिलेशन इन एज इन एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम ये कुछ सेट हमारे पास ए है बच्चों, ये कुछ सेट हमारे पास बी है बच्चों ओके। तो सेट में एलिमेंट 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में भी हमारे 5 एलिमेंट है सेट बी के अंदर 1 4 9 16 और 20। हाँ जी बच्चों आप देखेंगे 1 का स्क्वायर रूट क्या बन होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर 3 होता है। तो बच्चों ये 1 रिलेटेड होगा 1 से, 2 रिलेटेड होगा 4 से और 3 रिलेटेड होगा 9 से। और बच्चों यहाँ 4 क्योंकि 4 बच्चों यहाँ आप देख रहे हो 4 हमारे पास रिलेटेड होगा 16 से ओके बच्चों। और 6 ये किसी से रिलेटेड नहीं है 20 ओके, ये हमारे पास बच्चों ऐसे रहेगा ओके, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों हम आप बता रहे हैं तो आपका क्या बन गया, ये आपका रिलेशन बन गया है, ये आपका क्या बन गया बच्चों रिलेशन बन गया है। अब हम आपको बताएंगे दीज आर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशन बच्चों। अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की ओके। डोमेन और रेंज क्या होता है बच्चों, डोमेन रेंज से पहले मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो बच्चों हमारे पास रिलेशन होता है रिलेशन कम को क्या करेंगे ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, और ये ऑर्डर्ड पेयर हमेशा आर में बिलोंग करना चाहिए ओके। सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन नहीं होते बच्चों, वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होते हैं जो आर में बिलोंग करेंगे। आर में क्या है कि दी गई कंडीशन, जैसी कंडीशन यहाँ पर लिखी है हैज इट्स क्यूब एज, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ पर दी गई बच्चों, यहाँ देखिए सेकंड सम में रिलेशन दिया था इज स्क्वायर रूट ओके बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर रूट की कंडीशन डाल दी गई है, यहाँ पर हैज क्यूब एज की कंडीशन डाल दी गई है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर इस जैसी कंडीशन डाली गई है ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर कंडीशन डाली गई है, अगर वो कंडीशन में बिलोंग करता है उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो वो ऑर्डर पेयर का आर में बिलोंग करेगा। और ऐसे ऑर्डर पेयर को बच्चों क्या कर रिलेशन के अंदर डिफाइन किया जाता है ओके बच्चों। तो यानी कि रिलेशन को किसमें डिफाइन करेंगे, हाँ जी ऑर्डर पेयर में डिफाइन करेंगे जो विच इज बिलोंग टू आर ओके बच्चों, जो आर में बिलोंग करता है। और यहाँ आप देखें बच्चों जो फर्स्ट इट मीन्स क्या है बच्चों, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग आर मीन्स क्या है कि ए रिलेटेड बी ओके, यहाँ देखिए बच्चों ओके इट मीन्स क्या है ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, इट मीन्स है इसका मतलब बच्चों कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ए रिलेटेड बी, कि ए बी से रिलेटेड है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो इट मीन्स है कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करेगा, जो ए बी का ऑर्डर पेयर बच्चों वो आर में बिलोंग करेगा। आर में कब बिलोंग करेगा, जब ए बी से रिलेटेड होगा तो उनका ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हाँ जी वी कैन से अनदर वर्ड इफ ऑर्डर पेयर ए बी डज बिलोंग टू आर, इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स बच्चों कि ए इज नॉट रिलेटेड बी, ए बी से रिलेटेड नहीं है बच्चों ओके। तो इट मीन्स ये बच्चों हमारे पास ही होता है। अब हम डिफाइन करेंगे डोमेन रेंज के बारे में ओके बच्चों, कि डोमेन क्या होती है रेंज क्या होती है उसके बारे में यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन डोमेन में क्या होता है बच्चों, यहाँ सबसे पहले देखेंगे लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, सेम इसी प्रकार रिपीट किया डेफिनेशन लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट ओके बच्चों। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके अंदर हम जो ऑर्डर पेयर हमारे पास होता है बच्चों, जो डेफिनेशन हमारे पास होती है सेट की, जिस प्रकार से यहाँ देखिए बच्चों हम यहाँ बता रहे हैं, जैसे आपके पास ये रिलेशन है हम आपको बताना चाहते हैं कि डोमेन रेंज क्या होती है। जो बच्चों आपके पास जो रिलेशन यहाँ पर दिया गया है और ये ऑर्डर पेयर में रिलेशन बच्चों, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ओके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द देखो डोमेन इज द सेट, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल क्या लेंगे बच्चों, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन द ऑर्डर पेयर ओके बच्चे विच बिलोंग टू आर ओके बच्चों। तो क्या लेंगे डोमेन क्या होती है इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास एक्स, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है देखिए 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है बच्चों डोमेन को शो करेंगे ओके। और डोमेन होती है बच्चों विच इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन, आर का सबसेट होती है बच्चों ओके, डोमेन इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन। और इस प्रकार क्या होती है जो रेंज भी क्या होती है, जो रेंज भी क्या होती है वो भी सबसेट होती है आर का ओके बच्चों। क्योंकि आर क्यों होती है, क्योंकि रिलेशन ही कंप्लीट क्या होता है आर की, आर ही क्यों, क्योंकि चाहे डोमेन हो चाहे रेंज हो दोनों ही किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के दोनों ही सबसेट है। इसलिए क्या है जो डोमेन भी क्या होती है बच्चों वो भी सबसेट होती है आर का, और जो रेंज होती है वो भी सबसेट होती है आर का, इनके फर्स्ट कंपोनेंट भी आपके सबसेट होंगे आर के और सेकंड वाले भी क्या होंगे सबसेट होंगे आर के रिलेशन के ओके बच्चों। तो डोमेन क्या होती है दोबारा फिर रिपीट करें, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए बी विच बिलोंग टू आर ओके। और रेंज क्या होती है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल
सेकंड कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर पर विच बिलोंग टू आर बच्चों। ओके तो ये उसके बाद देखो जो इट मींस क्या है, आप देखो जो 1 2 3 4 ये आपके क्या है फर्स्ट कंपोनेंट या आपके डोमेन को शो करेंगे। डोमेन डोमेन में क्या आएंगे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 जो सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 ये डोमेन को रेंज क्या बच्चों रेंज रेंज आपके सेकंड एलिमेंट होते होंगे यहाँ पर। सेकंड एलिमेंट क्या देखें ऑर्डर पेयर कंसोल लिखा है ऑर्डर पेयर वाले देखने बच्चों सेकंड एलिमेंट आपने सेट ए और सेट बी के नहीं देखने बच्चों सेट ए और सेट बी के अकॉर्डिंग हम डोमेन रेंज नहीं निकाले बच्चों हम निकालेंगे डोमेन रेंज रिलेशन के अनुसार जो रिलेशन हमारे पास गिवन है जो रिलेशन हमारे पास बना है रिलेशन क्या बना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन के अनुसार सेट ए और बी से क्या रिलेशन बन गया दोनों दोनों सेट ए और बी से और डी की कंडीशन के अनुसार जो रिलेशन बना फ्रॉम सेट ए टू सेट बी तक तो 1 1 ऑर्डर पेयर के अंदर 2 4 3 9 4 16 और हमने एरो डायग्राम के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट किया। देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 3 4 वो डोमेन के हैं और जो सेकंड एलिमेंट यहां देखिए ऑर्डर पेयर के अंदर देखें एरो डायग्राम में नहीं समझो ऑर्डर पेयर में क्या लेंगे 1 सेकंड एलिमेंट 2 4 9 and 16 ओके बच्चों ये आपकी रेंज है। ओके यानी कि 1 रिलेटेड है 1 से 2 रिलेटेड है 4 से 3 रिलेटेड है 9 से 4 रिलेटेड है 16 से यानी कि इसका हर एक एलिमेंट जिस बी के बी सेट के जिस एलिमेंट से रिलेटेड है बच्चों वो रेंज का कहलाएगा और जो एलिमेंट यहाँ देखो यहाँ 20 किसी भी देखो ए के सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो ये बच्चों जो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है या रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है इस बी के सभी जो एलिमेंट बच्चों वो कहलाएंगे कोडोमेन। क्या कहलाएंगे कोडोमेन। एक होती है डोमेन रेंज और थर्ड होती है कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं इज द सेट ऑफ द हाँ जी जो बच्चों देखो जो हमारे पास बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है देखो जैसे बी सेट के पास ये है 1 4 9 16 और 20 ओके बच्चों अब इसके अंदर डायग्राम देखो 1 4 9 16 और 20 चाहे ये ए एलिमेंट से रिलेटेड है या नहीं है इसके सभी एलिमेंट बच्चों सभी कॉमन की यूनियन करेंगे 1 4 9 16 एंड 20 ओके तो ये कोडोमेन बच्चों और रेंज होती है बच्चों वो कोडोमेन का क्या होती है सबसेट होती है रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन बच्चों। ओके ये इसके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी सकती है ओके बच्चों यानी कि जो रेंज होती है जो रेंज होगी बच्चों रेंज कंटेन्ड इन कोडोमेन। ओके बच्चों किस प्रकार से निकाले यहां पर तो आपके पास आज हमने कंसीडर किया बच्चों रिलेशन क्या होता है ओके इसे एग्जांपल कंसीडर किया है डोमेन क्या होती है रेंज क्या होती है कोडोमेन क्या होती है। ओके आज हम उनसे रिलेटेड सम किए हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों बताएंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन ओके बच्चों कि रिलेशन के टाइप क्या होता है बच्चों तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम टुमारो हम कंसीडर करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन बच्चों। तो आपने इस टाइप की डेफिनेशन लर्न करनी है और इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल आपने लर्न करें बच्चों और डायग्राम के मतलब से आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डोमेन रेंज और जो कोडोमेन है इनसे रिलेटेड आपने ये सभी डेफिनेशन क्लियर करनी है स्टडी करनी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।